हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपने इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, ये है मेरे रेफरेंसेस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। आप लेवल या ग्रेड्स को समझने से पहले समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसा समझ सकते हैं जैसे कोई संस्था है या कोई बॉडी हो रन कर रही है, तो उसके कई लेवल्स होते हैं। उसके जो वर्कर होते हैं, वर्कर से कई लेवल या ग्रेड्स होते हैं। जैसे आप अपने कॉलेज को देखेंगे, कॉलेज भी एक संस्था ही है, तो उसमें आप देखेंगे कि स्वीपर हो गया, साफ सफाई का ध्यान रखता है। फिर उसमें एक चपरासी अलग से है जो घंटा बजाता है, समय समय पर चाय पानी देता है। दूसरा एक उसमें क्लर्क हो गया, पेपर वर्क करता है ऑफिस में बैठ के। फिर उसमें आप देखेंगे एक लाइब्रेरियन होता है जो लाइब्रेरी को संभालता है। फिर लैब टेक्नीशियन होता है। टीचर में आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, फिर प्रोफेसर हो गए। तो इन सब का अलग अलग ग्रेड है। तो इसी प्रकार दोस्तों, अपने इस लिविंग वर्ल्ड का भी, एक लिविंग वर्ल्ड को एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए। इस लिविंग वर्ल्ड में भी कई जो है लेवल्स हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे बायो मॉलिक्यूल से, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बायो मॉलिक्यूल से पहले भी आ जाता है एलिमेंट। बात करते हैं दोस्तों एलिमेंट का है। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी की दृष्टि से आप देखेंगे तो एलिमेंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो जिसका रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को अधिक होती है। कितना अधिक होती है बताते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ध्यान दीजिएगा, ऐसे एलिमेंट को माइक्रो एलिमेंट कहते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज्यादा होती है, उनको कहते हैं माइक्रो एलिमेंट। इसमें आ जाता है कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारे एलिमेंट कैसे हो गए, ये सारे एलिमेंट माइक्रो एलिमेंट हो गए। ठीक है, इनको माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। दूसरा आता है दोस्तों माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट में आप देखेंगे कि ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत कम होती है, सूक्ष्म मात्रा में जरूरत पड़ती है। इतना सूक्ष्म इनकी भी यूनिट है, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से कम पड़ती है, उनको कहते हैं हम माइक्रो एलिमेंट। जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, बोरोन है, क्लोरीन है और निकिल है। तो इस प्रकार दोस्तों ये एलिमेंट हैं। अब इन एलिमेंट्स क्या करते हैं कि आपस में कंबाइंड होके बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिससे पूरी कहते हो कि पूरी बायोलॉजी ही बनी हुई है। बायोलॉजी में कोई भी ऑर्गेनिज्म देखेंगे ये सारे इन्हीं एलिमेंट से बने हुए हैं। अब होता क्या एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स, आप बायोमोलिक्यूल में देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल भी दो प्रकार के होते हैं, इनकी भी दो कैटेगरी है। पहला होता है माइक्रो एलिमेंट, ठीक उसी प्रकार इनका भी कॉन्सेप्ट वही है, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को अधिक होती है उनको कहते हैं माइक्रो एलिमेंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं माइक्रो मोलिक्यूल्स। अब आता है दूसरा कैटेगरी इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। माइक्रो मॉलिक्यूल में आप देखेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में बहुत कम होती है, जैसे कि एमिनो एसिड हो गए, विटामिन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए और भी इसी तरह हैं। तो ये थे बायो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। अब होता क्या एक्चुअली, ये सारे बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। अब ऑर्गेनेल क्या होता है आप देख सकते हैं, ऑर्गेनेल्स के अगर हम प्रीवियस डिफिनेशन देखेंगे, ऑर्गेनेल्स के पहले डिफिनेशन था कि ऑर्गेनेल्स आर टाइनी लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल, मतलब कि ऐसे छोटे लिविंग मटेरियल होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन पुरानी है, ठीक नई डेफिनेशन क्या आई है, नई डेफिनेशन आई है कि ऑर्गेनेल्स आर टाइनी लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल दैट इज सराउंडेड बाय द लिपिड बाय लेयर, मतलब कि ऐसे सूक्ष्म छोटे लिविंग मटेरियल होते हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं और सराउंडेड बाय लिपिड बाय लेयर, लिपिड बाय लेयर द्वारा सराउंडेड होते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनेल कहा जाता है। अगर आप इस नई वाली डिफिनेशन को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनेल के एग्जाम्पल में न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर क्लोरोप्लास्ट हो गया और गॉल्जी अपैरेटस हो गया। ये एग्जाम्पल्स कैसे हैं, नई डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर पुरानी
डेफिनेशन देखेंगे तो उसके हिसाब से डबल मेम्ब्रेन बाउंड तो सेल ऑर्गेनिज है ही, साथ में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी सेल ऑर्गेनिज के ही एग्जाम्पल्स हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जैसे कि लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये भी ऑर्गेनिज में कहलाएगा, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जैसे राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया, ये क्या, ये भी जो ऑर्गेनिज में ही आ जाते हैं। तो ये था दोस्तों ऑर्गेनिज। अब होता क्या है, ये सारे ऑर्गेनिज होते हैं सेल के अंदर, ये सारे ऑर्गेनिज मिलकर एक साथ काम करते हैं सेल के लिए। अब सेल की बात करते हैं, सेल क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी हो वो सेल से बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने घर को देखेंगे, आपका घर किससे बना है, ईंटों से बना है, कई सारी ईंटें एक दूसरे से सीमेंट के द्वारा जोड़ी गई हैं, सीमेंट बालू से, और महल तैयार हो गया। उसी प्रकार लिविंग वर्ल्ड में देखेंगे कि बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई, कई सारी सेल्स मिलकर, सेल से मिलकर बॉडी बनी हुई है। लेकिन बात आती फंक्शनल यूनिट, एक्चुअली होता क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जरूरत होती है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर परफॉर्म होती है, ठीक है, सेल के अंदर परफॉर्म होती है। इसीलिए कहा जाता है सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब दोस्तों होता क्या है कि सेल होते दो प्रकार के, पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में आप देखेंगे प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, मतलब कि ऐसी सेल जिसमें जो न्यूक्लियस होता है प्रिमिटिव टाइप का होता है या पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि सीधी भाषा में कहें कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। जैसे कि हमने ये एक सेल बनाया और इस सेल के अंदर हमने ये भर दिया न्यूक्लियस, ठीक, जेनेटिक मटेरियल हमने कर दिया, ये क्या कहलाएगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल इस तरह होता है। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब कहाँ नहीं होते, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। अब बात आते हैं यूकैरियोटिक सेल को। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें सेल तो यही होती है, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस हमने बना दिया था, इसी न्यूक्लियस को हम क्या कर देंगे, मेम्ब्रेन बाउंड कर देंगे, मेम्ब्रेन बाउंड कर देंगे। और दूसरी चीज क्या होता है, इसमें वो सारे सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहेंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। इसीलिए सेल दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। आपको समझ में आ गया होगा।